आज विभागीय आयुक्त में हमारा आना इसलिए हुआ, कल जो घटना हुई वैजापुर में, जो पाखंडी जो पंडित हैं उन्होंने जो हमारे हुजूर प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में जो गैर जरूरी शब्द इस्तेमाल किया, उसके अलावा जो हमारी माँ है उम्मुल मोमिनीन हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा के बारे में जो लफ्ज़ इस्तेमाल किए, ये नाकाबिले बर्दाश्त है। और हमारी सरकार की शान में जो गुस्ताखी की, ये भी नाकाबिले बर्दाश्त है। उसी को मद्देनज़र रखते हुए आज हमने विभागीय आयुक्त में जो है तो मेमोरेंडम पेश किया हमारे राष्ट्रवादी युवक कांग्रेस पार्टी की जानिब से, और हमारे दीगर उलमाए किराम साथ में पीछे खड़े हैं उनकी जानिब से हमने ये आज अपील की कि जो घटना वहाँ पर वैजापुर में हुई, जो वातावरण ख़राब हुआ और कहीं कहीं जगह पर FIR भी उनके ऊपर दर्ज हुआ, तो हमने उनसे मांगनी की कि जो घटना वहाँ पर हुई, पाखंडी ने जो लफ्ज़ इस्तेमाल किया हमारी सरकार की शान में और हमारी माँ आयशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की शान में, तो ऐसी घटना वापस ना हो। इससे पहले भी दो चार बार ऐसी घटना हुई है और उनके ऊपर कार्रवाई हुई, लेकिन जैसी कार्रवाई होना था वैसी कार्रवाई नहीं हुई। तो हम ये अपील करेंगे, पुलिस प्रशासन से भी अपील करेंगे कि उनसे उनके ऊपर जो तो सख्त से सख्त कार्रवाई हो और उनके ऊपर FIR दर्ज हो। FIR दर्ज नहीं अगर हुआ तो हम इंशाल्लाह ताला हमारी यूथ की जानिब से और दीगर उलमाए कराम की जानिब से, पूरे औरंगाबाद शहर वासियों की जानिब से ऐसा एहतजाज दर्ज करेंगे कि इतिहास में इंशाल्लाह ताला लिखा जाएंगे। हमारे यूथ के तारिक भाई है, मुशर्रफ है, हमारे अजहर पटेल है, उनके अलावा उनके दोस्त हैं हमारे आमिर हिलाबी है और दीगर उलमाए कराम भी मौजूद है साथ में। इनके साथ हमने आज जो है तो विभागीय आयुक्त में मेमोरेंडम पेश किया। जैसा कि आप जानते हैं कि जो अभी हॉट इशू चल रहा है, तो मेरी सभी लोगों से गुजारिश है कि हम ज़्यादा से ज़्यादा नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का सीरत का ख़ुद मुताला करें। अपने कौम से मैं ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो हमको जो जुम्मतुल विदा में जो मैसेज दिया था, एकता का, इंसानियत का, भाईचारे का, जैसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बताया कि भाई हमारा पड़ोसी भी हमसे खुश रहे, हमारे माँ बाप के क्या हुकूक है, हमारे भाई के क्या हुकूक है, हम बिज़नेस किस तरह से करना चाहिए। देखिए, ये गलती हमारी है कि हमने हमारा मैसेज जो है तो लोगों तक नहीं पहुँचाया। जब तक हमने हमारा मैसेज लोगों तक पहुँचाया था तो वो इस चीज़ को कबूल करते थे और उस चीज़ को मानते थे। उसके अंदर कोताही अपनी है कि हम अपना और नबी पाक जनाब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मैसेज लोगों तक नहीं पहुंचा रहे, इसकी वजह से उनकी गलत फहमियाँ और वो इस तरीके से जो है तो बयानबाजी कर रहे हैं। तो हम सबसे पहले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत का मुताला करें, उसके ऊपर अमल करें और एक आइडियल लाइफ गुजारे, जैसा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनकी ज़िंदगी में हमें करके बताया कि तुम्हारी वे ऑफ लाइफ किस तरीके से होना चाहिए। मतलब एक बच्चा जहाँ पैदा हो रहा है, पैदा होने के बाद उसकी जवानी कैसे गुजरे, वो क्या खाएंगा, वो क्या पिएगा, वो कैसा पहनेगा, उसके जो है तो उसके औरत के क्या हुकूक है, उसके बहन के क्या हुकूक है, उसके प्रॉपर्टी के किस तरीके से उसके अंदर डिवाइडेशन होना चाहिए, उसके माँ बाप के क्या हुकूक है, उसका जो है तो वो उसका पैसा समाज में, वो पैसा जो ज़कात के तौर पे हम देते थे, वो पैसा कहाँ जाना चाहिए, इस तरीके के नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक बहुत बड़ी सीरत है। अगर वो एक अनजान शख्स को भी अगर हम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत बताएंगे तो उसके आंखों से आंसू बहेंगे कि एक ऐसा भी शख्स गुजर चुका है जिसने हमें इस तरह की सीरत बताया है। तो मैं खुद भी और आप लोगों से भी गुजारिश करता हूँ कि सीरत का ज़्यादा से ज़्यादा मुताला करें, अपने बच्चों को भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बताएं और जो है तो लोगों में भी जो है तो एक अलग अलग प्रोग्राम्स ले, हमारे पास उलमा इकराम है, वो हमेशा अवेलेबल रहते हैं और लोगों में अवेयरनेस करें। ठीक है, जज़ाक। जिस तरह से देखा जाए तो ये मामला काफ़ी बढ़ चुके हैं कि कोई भी उठ रहा है और इस्लाम धर्म के धार्मिक गतिविधियों में इन्वॉल्व हो रहा है और इस्लाम धर्म की जो भी वो है शरीयत के अंदर जो लॉज बनाए गए हैं उनको तोड़ रहा है। हमारे नबी की शान में बार बार बोला जा रहा है, हमारे नबी के अज़वाज मुतहरात की शान में बार बार बोला जा रहा है और इसके ऊपर कोई भी कार्रवाई नहीं की जा रही। हमने कानून से भी गुजारिश की है और हम अभी आज मौजूद हैं कलेक्टर ऑफिस में और इनसे भी गुजारिश करते हैं कि इनके खिलाफ़ जल्द से जल्द कार्रवाई करें ताकि ऐसे मामलात आगे ना बढ़े, क्योंकि अगर ये मामला हद से ज़्यादा बढ़ेंगे तो फिर आवाम सड़कों पर उतरेंगी और आवाम अगर सड़कों पर उतरेंगी तो हमारे लिए भी उनको कंट्रोल करना बस में नहीं है और कानून के भी बस में नहीं होगा कि उनको कंट्रोल किया जाए। इसके बाद फिर मामलात बढ़ेंगे और अभी जैसे हम सब देख रहे हैं कि इलेक्शन नज़दीक आ रहे हैं तो ऐसे मामलात को और बढ़ावा दिया जाता है, तो ऐसे को जल्द से जल्द सजा दी जाए, इनके खिलाफ़ कार्रवाई की जाए और उन्हें गिरफ़्तार किया जाए। ये हमारी गुजारिश है कानून से और आप सभी से भी गुजारिश है कि कानून को अपने हाथों में ना लें, जो भी जो शहर में अमन और शांति बनाए रखे और ऐसे को बिल्कुल सज़ा मिलेंगी। बस आप लोग लीगल तरीके से जो भी एक्टिविटीज़ करना है वो कीजिए, आप आइए अपने एप्लीकेशन सबमिट कीजिए, अलग अलग हमारे पास पुलिस स्टेशन है वहाँ पर जाकर अपने अपने कंप्लेन FIR जो भी करना है आप कीजिए ताकि ऐसे को लीगली सज़ा मिले। अपने हाथों में कानून लेकर अपने आप को मुसीबत में डालना ये बहुत गलत बात है, तो आप सभी से गुजारिश है कि अपना ख्याल रखें और जो भी मामलात हैं उन्हें लीगल तरीके से सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू सो मच। नाम आपका?
मेरा नाम सैयद अफ़ाम हुसैन है, मैं दारुल उलूम रज़ा मुस्तफ़ा का पढ़ाने वाला एक मुदर्रिस हूँ। मेरा जो टीचिंग सब्जेक्ट है वो कंप्यूटर और इंग्लिश।